बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर नंबर 2 के वैसे तो हमने पार्ट 1, 2, 3 कर लिया था, लेकिन कुछ टॉपिक्स रह गए थे, ठीक है, एक पार्ट आना और रह गया था। वैसे तो मैंने ये दो टॉपिक जो रह गए थे ये मैंने करवाए हैं एक वीडियो के अंदर, उसमें मैंने बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ाया था, ये अलग से मैंने एक वीडियो नहीं बनाई थी इन दो टॉपिक्स के ऊपर, तो शायद किसी को वो नहीं मिला, शायद कोई पढ़ नहीं पाया, तो मेरे पे काफ़ी लोगों की कमेंट्स आई कि ये वाले दो टॉपिक रह गए हैं या फिर इसका पार्ट 4 रह गया, इस तरह से। तो अब वो पार्ट 4 आ गया है, वो जो दो टॉपिक रह गए थे वो दो टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक। तो पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे तो उनको जाके देखो, और पार्ट 4 में हम वो टॉपिक्स करने वाले हैं, ठीक। चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, पार्ट 4 हम दो टॉपिक्स जो रह गए थे, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्री कॉमर्स एंड ट्रेड एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडस्ट्री कॉमर्स एंड ट्रेड, ये हम इसमें आगे पढ़ेंगे, तो उनको पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। तो जो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है पढ़ने के लिए वो है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्री कॉमर्स एंड ट्रेड। एक बहुत लंबी सी कहानी है, बहुत लंबी भी नहीं है, बस इजी है, चलो मान लिया लंबी है पर इजी है, ठीक है। तो इसको जल्दी से पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। देयर इज अ क्लोज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बिजनेस डिस्क्राइब्ड अबव, वन कैन नॉट फंक्शन विदाउट द सपोर्ट ऑफ अदर। तो ये एक रिलेशनशिप बता रहा है इंडस्ट्री कॉमर्स एंड ट्रेड के बीच में, ठीक है। एक कोई भी एक सपोर्ट दूसरे के सपोर्ट के बिना फंक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। इंडस्ट्री को कॉमर्स की और ट्रेड की जरूरत है, कॉमर्स को दोनों की जरूरत है, ट्रेड को दोनों की जरूरत है, मतलब पूरा इनका रिलेशनशिप एक हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनका इंटर रिलेशन क्या है पढ़ना शुरू करते हैं। इंडस्ट्री ऑफर्स वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स ऑल ओवर द ग्लोब। जो इंडस्ट्री है वो हमने जैसा पहले भी पढ़ा था इसके, ये पार्ट 4 है, पार्ट 3, 2, 1 में हमने इंडस्ट्री कॉमर्स ट्रेड के बारे में सब पढ़ लिया है। ये उन तीनों का इंटर रिलेशन है, ठीक है, और आगे शायद एक डिफरेंस भी है जो रह गया था, तो ये रहने वाले टॉपिक है, मैं वही करवा रहा हूँ। बाकी पार्ट 1, 2, 3 देखो, उनमें समझो बहुत अच्छे से, मैंने बताए हैं कि इंडस्ट्री कॉमर्स और ट्रेड क्या क्या है, क्या उनके फंक्शन है, सब कुछ। तो यहाँ हम उनका रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में समझते हैं। जो इंडस्ट्री है वो ऑफर करती है वॉन्ट सेटिस्फाइंग गुड्स, जिससे कि कंज्यूमर के वॉन्ट्स जो है वो सेटिस्फाई हो सकें कंज्यूमर, ठीक है। मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स ऑल ओवर द ग्लोब, द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू एंड यूजर इज फैसिलिटेटेड थ्रू कॉमर्स एंड ट्रेड। जो एक प्रोड्यूस हुआ कोई गुड वो एंड यूजर तक कैसे पहुंचेगा, वो कॉमर्स और ट्रेड के थ्रू पहुंचेगा, ठीक है। उसी तरह से लाइकवाइज इंडस्ट्री कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फैसिलिटेटिंग सर्विस ऑफर्ड बाय कॉमर्स एंड ट्रेड। इंडस्ट्री भी उसी तरह से सर्वाइव नहीं कर सकती जब तक कॉमर्स और ट्रेड वो सर्विसेज प्रोवाइड ना करें, ठीक है, सर्वाइव नहीं करेगी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ कॉमर्स एंड कॉमर्स इज द लाइफ ब्लड ऑफ इंडस्ट्री। ओ भाई कितनी बड़ी बात बोल दी यहाँ, जो इंडस्ट्री है वो बैकबोन है कॉमर्स की और कॉमर्स जो है लाइफ ब्लड है इंडस्ट्री का, ठीक। देख रहे हो रिलेशनशिप कितना तगड़ा है इनका। थर्ड सॉरी फोर्थ पॉइंट, ट्रेड ऑन द अदर हैंड इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कॉमर्स फ्लरिशेस ओनली व्हेन ट्रेड फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। ट्रेड की अगर हम बात करें, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक, ये सब करवाता है। कॉमर्स फ्लरिशेस ओनली व्हेन ट्रेड फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स तभी काम करेगा जब ट्रेड जो है फैसिलिटेट करेगा गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज फ्रॉम सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जहां से वो बने हैं और कहाँ जाना है उनको, कंजम्पशन, जहां पे वो कंजम्पशन होगा उनका कहाँ होगा, एंड यूजर के पास, ठीक है। कॉमर्स तब सही चलेगा जब ट्रेड जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा बाइंग सेलिंग की और उन सबको वहां पहुंचाने की। तो थोड़ा समझते हुए चलना है कितना ज्यादा ये इंटर रिलेशनशिप इनका कितना सही है। एक के कोई एक भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उन तीन में से कोई एक ना होगा तो सर्वाइव नहीं हो पाएगा इनका, इनमें से किसी एक का भी सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, ठीक है। फॉर एनी बिजनेस टू बी सक्सेसफुल बोथ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एसेंशियल। अगर कोई भी बिजनेस हमें सक्सेसफुल करना है तो उसमें इंडस्ट्री कॉमर्स और ट्रेड तीनों की जरूरत पड़ेगी। नो एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म्ड विदाउट द एग्जिस्टेंस एंड सपोर्ट अदर। कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पाएगी बिना किसी एक के एग्जिस्टेंस के बिना, ठीक है, किसी एक के सपोर्ट के बिना भी। इंडस्ट्री विदाउट कॉमर्स एंड कॉमर्स विदाउट इंडस्ट्री कैन नॉट सर्वाइव एंड थ्राइव, बोथ आर एसेंशियल फॉर अ साउंड बिजनेस सिस्टम। तो वही बड़ी बड़ी इसमें बातें लिखी हुई हैं, जो इंडस्ट्री है वो कॉमर्स के बिना और कॉमर्स इंडस्ट्री के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती दोनों, और ये बल्कि तीनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है किसी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ये था इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्री कॉमर्स एंड ट्रेड।
ज्यादा फास्ट तो नहीं लगना चाहिए वैसे, ये बहुत इजी सा टॉपिक था, बहुत थोड़ा लंबा था पर इजी था। ठीक है, मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा क्योंकि एक टॉपिक और है, मैं उसको भी जल्दी से फिनिश करता हूँ यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो एक और टॉपिक हमारा रह गया था वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम डिफरेंस जानने वाले हैं, डिफरेंस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी कहो। तो शुरू करते हैं इंडस्ट्री से। ठीक, इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन। बहुत अच्छे से पढ़ा था पार्ट वन में इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है गुड्स की फॉर फाइनल कंजम्पशन, मतलब फाइनल यूज के लिए। ठीक, फर्स्ट पॉइंट। उसी तरह से कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी सर्विस फॉर द स्मूथ एंड सेफ फ्लो ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, कॉमर्स में बाइंग और सेलिंग होती है गुड्स की और प्रोवाइड करते हैं वो नेसेसरी सर्विसेज फॉर द स्मूथ एंड सेफ फ्लो, एक स्मूथ और सेफ फ्लो बना रहे गुड्स का टू द कंज्यूमर्स। ठीक, कंज्यूमर्स के बीच में। फिर आता है थर्ड, ट्रेड। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अ प्राइस। ट्रेड का मतलब है गुड्स को और सर्विस जो भी है तुम्हारी उनको बाय करना फॉर अ प्राइस, किसी रुपीज में या किसी भी तुम मनी, जो भी तुम्हारी मनी है, मतलब कुल मिला के प्राइस में उसको बाय करना, वो ट्रेड के अंदर हमारा आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। इंडस्ट्री में बहुत ह्यूज अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल दोनों ही चाहिए। कॉमर्स में इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बट ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कॉमर्स में क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट में फिक्स कैपिटल होनी चाहिए और बहुत ज्यादा अमाउंट में वर्किंग कैपिटल कॉमर्स में चाहिए होती है। ठीक, ट्रेड में इट रिक्वायर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल एंड अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ फॉर वर्किंग कैपिटल। एक फिक्स अमाउंट होता है सॉरी फिक्स्ड कैपिटल का और एक मॉडरेट अमाउंट चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल का। ठीक, तो ये थे सेकंड सेकंड पॉइंट सबके। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इंडस्ट्री इट कवर्स ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एज वेल एज एक्सट्रैक्शन। तो इंडस्ट्री में सारी कौन सी चीजें आती हैं, जो एक्टिविटीज इंडस्ट्री कवर करती है उसमें आती है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जो रॉ मटेरियल होता है उसका कन्वर्जन किस में, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में या फिर कहो तो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, मतलब एक बिल्कुल रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज करना, ये एक्टिविटीज आती है इंडस्ट्री में। कॉमर्स में हमारी आती है इट कंसिस्ट ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब हमने ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था पार्ट टू में आई थिंक, तो वहां जाके पढ़ लेना। इसमें कॉमर्स में होता है हमारे ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में हमारी ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सारी चीजें आती हैं। ट्रेड में हमारा आता है इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अ प्राइस। तो इसकी इसका जो एक्टिविटी है वो यही है कि एक्सचेंज होना गुड्स सर्विसेज, गुड्स का या सर्विसेज का प्राइस के थ्रू या फिर पैसों से या रुपीज से जो भी है। फोर्थ पॉइंट इसमें आता है इंडस्ट्री का, इट इन्वॉल्व वेरी हाई रिस्क। इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, कॉमर्स में लेस रिस्क इन्वॉल्व होता है और ट्रेड में वेरी लो रिस्क इज इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स थे। ट्रेड में बहुत लो रिस्क होता है ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो भी उसकी होती हैं। ठीक, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस आर कैरीड आउट एट फैक्ट्रीज, फॉर्म्स और इन माइंस। इंडस्ट्रियल ऑपरेशन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, फैक्ट्रीज में, फॉर्म्स में और इन माइंस में। ये फॉर्म्स नहीं होगा, ये फॉर्म्स होगा, ठीक है, या फिर माइंस में जो होते हैं सारे ऑपरेशन वो इन इन जगहों पर होते हैं। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्शियल ऑपरेशन कैरीड आउट बिटवीन द प्लेसेज ऑफ प्रोडक्शन एंड प्लेसेज ऑफ कंजम्पशन। कॉमर्शियल ऑपरेशन कहाँ होते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन की जगह होती है और जहाँ कंजम्पशन होती है, मतलब वहां पे ये सारे इसके ऑपरेशन होते हैं कॉमर्स के। ठीक है, जहाँ पे गुड प्रोड्यूस होता है और जहाँ पे वो गुड कंजम्पशन होता है उस गुड का, यानी कि एंड यूजर के आसपास या एंड यूजर की जगहों पे, ठीक है, वहाँ कमर्शियल ऑपरेशंस होते हैं। ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग ऑपरेशंस टेक प्लेस नियरर टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन और यूज, जहाँ पे गुड का कंजम्पशन हो रहा है या फिर जो जहाँ पे गुड यूज हो रहे हैं उस जगह पर ट्रेडिंग ऑपरेशंस काम करते हैं या फिर उन वो एक्टिविटीज होती हैं ट्रेडिंग की। ठीक है, क्योंकि बाइंग सेलिंग होगी, प्राइस कोई कंज्यूमर बाय करेगा और वो पैसे देगा जिससे वो खरीदेगा, तो ये सब चीजें होती हैं उसमें। ठीक, तो ये था इन तीनों का डिस्टिंक्शन या फिर कहें तो डिफरेंस इन तीनों का। अब ये भी टॉपिक खत्म हो गया, इससे पहले हमने इंटर रिलेशन पढ़ लिया। तो फाइनली जो दो टॉपिक हमारे रह गए थे चैप्टर नंबर टू के वो हमने कर लिए हैं, और पार्ट वन टू थ्री फोर चार पार्ट हो चुके हैं इसके। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा। थैंक यू फिर से बताने के लिए कि ये टॉपिक रह गए थे तो मैंने अब कवर करवा दिए। पार्ट सेवन रह गया है चैप्टर नंबर वन का, ठीक है, वो भी मुझे कमेंट्स के थ्रू ही पता चला, वो भी मैं जल्द से जल्द पूरा कराऊंगा। फिलहाल अभी इसको कंप्लीट करो, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।